गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड फर्दर। व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लेसन फेडरलिज्म, we have discussed about the linguistic states and language policy. Okay, today we shall study about the center state relations. Do you know about the center state relation, kendra rajya sambandh jise hum kehte hain? Today we shall discuss about that. Okay, so students, previously after independence in our country, there was mostly one ruling party over the center, and most of the states were ruled by the same party. Sometimes this party used to dismiss the state government also. At that time, the practice of federalism was not practiced properly. How? Let us see with this example. But after 1990s, after 1990-91, the era of coalition government came, and in this era, not a single party got the majority for making the government. All have to take support of the different parties. Therefore, the different parties also get the value, the preferences, and they were also respected. They were small parties, they were regional parties. After that, they were respected, and the supports of those parties were taken for the formation of the government. तो इस तरह से क्या हो रहा था, शुरू शुरू में जब हमारा देश आजाद हुआ तो किसी भी एक पार्टी की ज्यादातर केंद्र में भी सरकार रहती थी और उसी पार्टी की सरकार राज्यों में भी रहती थी, और कभी कभी ये सरकारें जो केंद्र में होती थी वो इतनी शक्तिशाली हो जाती थी कि अपने पावर का यूटिलाइज करते हुए मिसयूज भी करना शुरू कर देती थी, और राज्यों की सरकारों को कभी कभार बर्खास्त भी कर देती थी। लेकिन ये सारा सिस्टम 1990s के बाद से चेंज होने लगा, क्योंकि अब मिली जुली सरकार का युग आ गया था, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, और इसकी वजह से जो छोटी भी पार्टियां थी, जो सहायक पार्टियां भी थी, उन्हें भी समान रूप से सबका रेस्पेक्ट मिलने लगा, और इससे ये लोग क्या किए, ये लोग अपना सपोर्ट देना शुरू किए, और इनका इम्पोर्टेंस भी उसी तरह बढ़ना शुरू हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करके भी ऐसा कह दिया है कि कोई भी केंद्र सरकार जो है राज्यों की सरकारों को अपने मन मुताबिक बर्खास्त नहीं कर सकती। अब इससे क्या हो गया कि केंद्र और राज्य के संबंध पहले से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गए हैं, और फेडरलिज्म को हम पहले से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। Let us see what is given here. Afterwards, we shall study about the different case studies given in your book. Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. Aksar संविधान में तो बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन उन प्रावधानों का
जितने भी अरेंजमेंट्स दी गई हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्या उन सारी व्यवस्थाओं का पालन सही तरीके से हो रहा है? सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज कम एंड ऑन योर वीडियोज ऑल्सो. Nobody is here present. Only your names are present on the screen. What I have told you, कि अगस्त से सब लोगों को face to face यहाँ बैठना होगा सामने, बंद करके नहीं. Click on your videos also. Sneha, click on your video also, students. Okay, let us continue. For a long time, the same party ruled both at the center and in most of the states. बहुत लंबे समय तक केंद्र पर भी और राज्यों पर भी उसी पार्टी की सरकार चलती रही. और दिस मीन्ट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स. इसका मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो वास्तव में जो उनके ऑटोनॉमस यूनिट्स थे, यानी कि जैसे राज्यों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए हैं, यानी कि राज्यों को भी स्टेट लिस्ट में कुछ पावर्स दिए गए हैं जिस पर कि वो खुद से रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, तो उनका वो ऑटोनॉमस पावर जो था उसको सही तरीके से वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे. एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड इन द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट. और चूंकि केंद्र की जो सरकार थी वो अलग थी और राज्यों की अलग थी, कभी कभार क्या होता था, प्रतिद्वंदी पार्टियां भी हो जाती थी, राइवल जो उसके प्रतिस्पर्धी होते थे. तो वो लोग अक्सर क्या करते थे कि जब उन्हें लगता था कि मेरे मन लायक पार्टी नहीं है वहां, तो वो उनके अधिकारों को बर्खास्त कर देती थी और सरकार ही बर्खास्त हो जाती थी. तुम्हारे बुक नंबर 21 पे दिया गया है बेटा, कार्टून दिया गया है कि जब शुरुआत में थी तो अक्सर क्या होता था कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होती थी और ज्यादातर राज्यों में भी. तो यहाँ कार्टून में बनाया गया है कि डिफरेंट स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर प्लीडिंग फॉर देयर पावर, द स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स. वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे, याचना कर रहे हैं, कटोरा लेकर के भीख मांगने की तरह वो सब लाइन से खड़े हुए हैं. दिख रहा है ना तुम्हारे कार्टून में, बुक में? ऐसा क्यों दिया गया है? इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा हद तक केंद्र पर आश्रित होना पड़ता था. केंद्र उनको पावर चाहती तो देती थी, वरना उन्हें बर्खास्त भी कर देती थी. लेकिन अब ऐसा कंडीशन नहीं है. और इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वेयर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज. उस समय अक्सर ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो अक्सर मिसयूज कर जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन को. किस लिए? डिसमिस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को. और यही जो स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राइवल पार्टी, जो प्रतिस्पर्धी पार्टीज जो होती थी, जो उसके कॉम्पिटिटिव होती थी, उनके द्वारा जब रूल होते थे तो उनको अक्सर वो डिसमिस कर देती थी. और इससे क्या होता है, फ्रीडम के सॉरी फेडरलिज्म के स्पिरिट को आहत पहुंचाई जाती, यानी कि वास्तव में फेडरलिज्म जिस उद्देश्य से किया गया है कि सभी राज्यों को अधिकार दे दिए जाएं ताकि वहां के लोग अपने तरीके से, क्योंकि हर किसी की स्थिति परिस्थिति एक समान नहीं होती है, तो हर कोई उसे अपने तरीके से हैंडल करे, अपने मुताबिक नियम कानून बनाए, तो ये वो नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर केंद्र का भी दबाव होता था. All this changed significantly after 1990s. और ये सारी चीजें परिवर्तित हो गई 1990 के बाद. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. और इसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे जो political parties थे states में, उनका भी धीरे-धीरे महत्व पता चलने लगा.
दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। ये ऐसा युग था जिस समय मिली जुली सरकारों का आगमन भी शुरू हो गया एट द सेंटर। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलती ही नहीं थी। एंड द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अ अलायंस, और जो मेजर जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी वो सब अक्सर अलायंस बना लेते थे, यानी आपस में गठबंधन कर लेते थे, जोड़ बना लेते थे और मिल करके चुनाव लड़ते थे। और इसमें क्या होता था कि इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर, राज्यों के अलग अलग पार्टियों को मिला लेती थी। जैसे कि अभी तुम लोग देखे होंगे बिहार की जो सरकार पिछले बार बनी थी वो बीजेपी और जेडीयू की कॉम्बिनेशन से बनी थी। करना पड़ रहे। Who is talking? Please mute your mic. The major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. और इससे क्या हुआ? जो state governments में जो पार्टियां थी, अब उनको भी वो जगह मिलने लगा, वो position मिलने लगा जिसकी की वो हकदार थी। और this trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner. और इसके साथ ही क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा कोई भी केंद्र सरकार जो है वो किसी भी राज्य सरकार को अपनी इच्छा या स्वेच्छा से बर्खास्त नहीं कर सकती थी। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. इस तरीके से यदि हम फेडरल गवर्नमेंट को देखेंगे तो आज का फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा प्रभावशाली है। कब से? जिस समय ये इनफोर्स हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू जब काम शुरू किया गया, फेडरलिज्म को हम लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो सारे प्रिंसिपल्स को हमने अपनाया लेकिन वास्तव में प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी। बल्कि 1990s के बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस सुधर गए और बेहतर तरीके से काम होने लगा सेंटर और स्टेट के बीच में। बेटा ऊपर आपको कार्टून दिया गया है जो पुराने समय का है, जिसमें कि इंदिरा जी की सरकार है वो अपने द्वारा अपने एक बगल में रखी हुई है बावर्ची को, जो कि पावर्स ऑफ द स्टेट्स अपने हर राज्य के मुख्यमंत्री को अपने झोली में से, माने यानी कि अपने कंटेनर में से निकाल करके उसे पावर दे रहा है। दिस इज द कार्टून विच डिपिक्ट्स that what was the condition of the regional parties or the state parties during the period before 1990s, after independence and before 1990s, आजादी के बाद से लेकर के 1990 तक के समय तक राज्यों के अधिकारों का किस तरीके से हनन होता था यहाँ पे दिया गया है। और नीचे वाले कार्टून में क्या दिया गया है? अटल जी की सरकार दी गई है। अटल जी बैठे हुए तो हैं कहां? अपने सिंहासन पर, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट। और वो कोलिशन में जितने भी नेता लोग हैं वो बारूद की तरह हैं, एक एक बॉम्ब है, और बगल में मशाल जल रहा है, यानी कि मशाल की यदि एक चिंगारी पड़ गई, इफ छोटी सी चिंगारी भी आ जाती है तो क्या होगा? आग लग जाएगा और सारा सिंहासन बिखर जाएगा और ये सत्ता बिखर जाएगी। यानी कि यहाँ पे इसको डिपिक्ट करने की कोशिश की गई कि कैसे कोलिशन गवर्नमेंट कितना खतरे में काम करती, कितना जोखिम उठा के काम करती। वही दिया गया है, पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट, कितने जोखिम है एक मिलीजुली सरकार को, एक गठबंधन सरकार को चलाने में। और उसके बाद से ही धीरे धीरे जितने भी स्टेट्स पार्टीज थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, इन सबको पावर्स मिलने शुरू हो गए, इनका भी इम्पोर्टेंस आ गया, और अब पहले से बेहतर रिलेशन हो गए हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के।
स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा यहाँ पे प्लस बॉक्स में। उसके बाद वाले पेज पे भी इसी से रिलेटेड जो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्टेट तुम लोग पढ़े, लैंग्वेज पॉलिसी पढ़े, उसी से रिलेटेड यहाँ कुछ केस स्टडीज दिए गए हैं। यदि इस पर भी चर्चा करोगे तो देखो, पेज नंबर 23, रीड द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम एन आर्टिकल बाय नोटेड हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा दैट अप्रूव्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 1, 2006। यहाँ पर रामचंद्र गुहा के द्वारा नवंबर 6 को एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पर उसको तुम्हारे लिए पेश किया गया है। उन्हीं सारी चीजों को याद करते हुए, जब 50 साल पूरे हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, तो इसको यहाँ पर डिपिक्ट किया गया था 2006 में। देखो, द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC, कभी कभार पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय SRC, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट तो पहले बन चुका था लेकिन फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, कब? 1956 में, वॉज इम्प्लीमेंटेड एग्जैक्टली 50 ईयर्स अगो ऑन नवंबर 1, 1956। दिस इन इट्स ओन टाइम एंड ओन वे हैज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ द नेशन। यहाँ पे बताया गया है कि जब नवंबर 1, 1956 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को, उस समय उसकी अपनी परिस्थितियां थी, अपने दौर में वो लागू किया गया था, और उस समय की क्या कंडीशंस थे, हमारे नेताओं का सोचना क्या था। यहाँ उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि गांधी एंड द अदर लीडर्स प्रॉमिस्ड देयर फॉलोअर्स दैट व्हेन फ्रीडम कम When freedom came, the new nation would be based on a new set of provinces, these based on the principle of language. However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. पहले हमारे कुछ constitutional makers जो थे, इन लोगों ने तय किया था कि हम लोग क्या करेंगे, अपने constitution के ही according to जितने भी राज्य हैं उनका गठन हम भाषा के आधार पर करेंगे, लेकिन जब 1947 में भारत बंट गया, डिवाइडेड हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। स्टेट्स का गठन तो हुआ लेकिन वो लैंग्वेज के बेस पर नहीं हुआ। पार्टीशन वाज़ द कंसीक्वेंस ऑफ ए प्रिमोर्डियल अटैचमेंट ऑफ वन फेथ। हाउ मेनी मोर पार्टीशन वुड दैट अदर प्रिमोर्डियल लॉयल्टी लैंग्वेज लीड टू, सो रैन द थिंकिंग ऑफ नेहरू पटेल एंड राजा जी। यहां बताया जा रहा है कि नेहरू, who was the Prime Minister of India, the first Prime Minister, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा गया, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कहा गया, राजा जी, he was the first and last Governor General of India, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्हें हम लोग राजा जी भी कहते थे। तो ये राजा जी, पटेल और नेहरू ये सोचने लगे कि एक बार तो हम लोगों ने रिस्क उठाया, लोगों के अटैचमेंट, आस्था से हम लोगों ने एक बार क्या किया, कंप्रोमाइज किया, तो उसका परिणाम क्या आया, भारत और पाकिस्तान बट गया, दो देश में हमारा कंट्री बिखर गया। अब फिर क्या किया जाए, उस बेस पर जितनी भाषाएं हैं उतने सारे देशों को बांटा जाए, क्या क्या किया जाए। फार फ्रॉम अंडरमाइनिंग इंडियन यूनिटी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव हेल्प स्ट्रेंथन इट, इट हैज प्रूव्ड टू बी परफेक्टली कंसिस्टेंट टू बी कलिंगा एंड इंडियन, बंगाली एंड इंडियन, Tamil and Indian, Gujarati and Indian, to be sure, these states based on language sometimes quarrel with one another. इन लोगों को लगता था, सोचते थे कि यदि हम लोग यूनिटी बनाने का काम कर रहे हैं, एकता स्थापित करने की यदि बात हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे देश को एक करने में मजबूती देने के बजाय ये देश को बिखरने में मदद कर दे, कहीं कोई बंगाली बनके, कहीं कोई कनेडियन बनकर के, कहीं कोई तमिल बनकर के, कहीं कोई गुजराती बनकर के, और ऐसा कहीं वो अपने आप को पेश ना करे जिससे कि हमारा देश बिखरने के कगार पर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए, तो इनको उस समय लगता था, व्हाइल दिस डिस्प्यूट्स आर नॉट प्रिटी, दे कुड इन फैक्ट हैव बीन फार वर्स, और यदि इस तरह से यदि
विवाद होंगे तो ये बहुत ही बुरे हो जाएंगे, फिर हम किन किन विवादों को सुलझाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये सारी समस्याएं सुलझ गई जब भाषा के आधार पर स्टेट्स का गठन किया गया। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स दैट हैड अलाउड इंडिया टू एस्केप व्हाट माइट हैव बीन अ वर्स फेट स्टेट इफ द सेंटीमेंट्स ऑफ द नेटिव स्पीकिंग ऑफ तेलुगु मराठी हैड बीन डिसरिगार्डेड व्हाट वी माइट हैव हियर वाज वन लैंग्वेज 14 और 15 नेशंस। तो ये उनका भ्रम था, उनको लगता था कि यदि कोई अपने भाषा को लेकर के अड़ जाए कि हमें अपने भाषा के आधार पर सेपरेट कंट्री चाहिए तो क्या किया जाएगा, एक राष्ट्र और 14-15 राष्ट्र में उसको हम लोग बांटेंगे भाषा के आधार पर, या क्या करेंगे, कैसे हम लोग इनको दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए थोड़े दिनों के लिए इन लोगों ने स्थगित कर दिया था इस प्रोग्राम को। लेकिन तुम लोगों से चर्चा करते हुए हमने बताया कि जब श्री रामालु जो कि तेलुगु बोलने वाले थे, तेलुगु देशम के लिए डिमांड करना शुरू किए कि हम लोगों को तेलुगु भाषी को सेपरेट स्टेट चाहिए। उस समय आंध्र प्रदेश नहीं था, मद्रास करके ही बड़ा सा स्टेट था, तुम्हारे पुराने वाले मैप में दिया गया है, पेज नंबर कौन सा पेज नंबर था तुम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पेज नंबर तुम्हारा 18 है, इस पे दिया गया है कि मद्रास और हैदराबाद है, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंसेस है मैप पे। ये बिल्कुल अलग अलग तरीके से इनके सारे जो बॉर्डर्स हैं वो है बिखरे हुए। लेकिन ये सारी चीजों को गठन किया गया तुम्हारे स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन के बाद, लेकिन जो डर थी लोगों के मन में वैसा नहीं हुआ, लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करने लगे और ये एक्सपेरिमेंट भी सक्सेस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो हम लोगों को काफी चर्चा करनी है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी आते हैं और आप भी इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। यदि आप शहर में रहते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से फैमिलियर होंगे, और इफ यू आर लिविंग इन द विलेज देन यू आर फैमिलियर विद द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, ब्लॉक समिति, जिला, जिला परिषद, ऑल आर द टर्म्स फ्रॉम विच यू आर फैमिलियर। इन सारे ऐसे ऐसे ये सब शब्द हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हमें यही पढ़ना है, जैसे कि हम लोगों ने फेडरलिज्म में पढ़ा कि द पावर इज टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि हम स्टेट के पावर को लेकर के उसको और छोटे निकायों तक, छोटे इकाइयों तक उसे हम बांट देते हैं। यानी कि अब हमारे यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया वो बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि पहले ये सारी चीजें मैंडेटरी नहीं थी, वो उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता था कि वो कितना इफेक्टिवली उसे लगा रहा है, कितना इफेक्टिवली उसके रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनके ऊपर कितना ज्यादा इलेक्शंस के लिए दबाव पड़ रहा है, क्या इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे 5 साल में, ये सारी चीजें कोई अनिवार्य रूप से नहीं थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, हम लोगों ने चर्चा किया था पहले कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था तो हम लोगों ने केवल 2 tier ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था, 3rd tier का प्रोविजन था लेकिन 3rd tier को इफेक्टिवली उस समय स्टार्ट नहीं किया गया था। लेकिन बाद में ये रखा गया था कि जब हमारी सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी, सुचारू रूप से हम काम करने लगेंगे तो फिर हम 3rd tier ऑफ लेवल भी स्टार्ट करेंगे। और वो हुआ, कब हुआ, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992। इसको फिर से एकदम अनिवार्य रूप से हर राज्य में लागू कर दिया गया, जिसको हम लोग पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। तो यदि हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो ये 2 तरह से होते हैं, ऐसे तो तुम लोगों को जो रीडिंग करके बताना है बताएंगे, लेकिन मेनली तुम लोग समझ लो 2 तरह के होते हैं, एक अर्बन और एक रूरल। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये क्या होता है, एक अर्बन होता है और एक रूरल, इसको शहरी कहते हैं, शहरी और रूरल ग्रामीण। शहरी में हम लोग म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं, म्यूनिसिपैलिटी
और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसको कहते हैं नगर पालिका और इसको कहते हैं नगर निगम। ठीक, नगर पालिका छोटे शहरों के लिए है, कस्बों के लिए है, और नगर पालिका महानगरों के लिए है जिसकी आबादी उस समय सेट की गई थी 10 लाख, अब तो काफी ज्यादा हो गया होगा। तो म्यूनिसिपैलिटी छोटे शहरों के लिए है, छोटे कस्बों के लिए है, उन इलाकों के लिए है जहां पर आबादी कम है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महानगर है, महानगरों के लिए जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है। और रूरल में हम लोगों ने ग्राम पंचायत, यहाँ क्या किया है, ग्राम पंचायत। रूरल में कट गया है तुम्हारा ना, बोर्ड के बाहर चला गया है। हाँ बेटा, इसको खिसकाना है, पता नहीं कोई कंप्यूटर वाले दिख नहीं रहे हैं, कैमरा को खिसकाना होगा। रूरल, रूरल एरिया में क्या होता है, ये भी 3 लेवल में होता है, 3 लेवल में होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक, समिति या मंडल, और थर्ड सबसे लोएस्ट फॉर्म में क्या होता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये 3 स्तर में है, रूरल भी, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक या मंडल, और उसके नीचे विलेज पंचायत। विलेज पंचायत कर दें या पंचायत कर दें। अब इसमें भी देखो, यहां पर भी जैसे हम लोग लोकसभा और अर्बन में क्या क्या था, एक बार और बोल दीजिए। अर्बन में पहले लिख लो, म्यूनिसिपल, बुक में है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना, म्यूनिसिपैलिटी, दीज आर फॉर द स्मॉल स्मॉल सिटीज हुज पॉपुलेशन इज लेस, और बड़े सिटीज के लिए है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, बुक में है, अंडरलाइन करवा देते हैं अभी रीडिंग करेंगे तो क्या क्या हुआ। ये जब कानून बनी, ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब का क्या कंडीशन था, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, व्हाट बिकम मैंडेटरी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं तुम्हारे बुक में। इसको तो एकदम कंपलसरी याद करना है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। तुम्हारा परीक्षा में इस तरह के सवाल अक्सर तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, इसीलिए इसको तो एकदम याद कर लेना। यहाँ 5 पॉइंट दिया गया है और अभी इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो अंडरलाइन करवा देंगे इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले सोच लो कि ये क्या है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जिला, जिला परिषद, उसके बाद है ब्लॉक, समिति या मंडल समिति भी इसको कहते हैं, और सबसे निचला वाला क्या है, पंचायत। तो हम लोग जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन में खुद से वोटिंग करते हैं और विधानसभा के इलेक्शन में भी विधायकों को चुनते हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में जिनको हम चुनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सांसद, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, और विधानसभा के सदस्यों को जब हम चुनते हैं तो उनको क्या कहते हैं, विधायक, यानी कि MLA, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये तो लोकसभा विधानसभा का, ठीक वैसे ही हम लोग थर्ड ईयर में भी खुद से ग्राम प्रधान को भी चुनते हैं, मेयर को भी चुनते हैं, और चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी को भी चुनते हैं। ये ध्यान आपको देना है कि इसके हेड को क्या कहते हैं। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसको बोर्ड में, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका जो हेड है उसको मेयर कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े जो महानगर है वहां का जो हेड होता है महापौर, उसे कहा जाता है मेयर। और उसके बाद जैसे रसड़ा है तुम्हारा, या बलिया है, मऊ है, ये सब में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है। यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ है, लखनऊ है, वाराणसी है, अलाहाबाद है, म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो हमारे छोटे शहरों के लिए। तो यहाँ पर चेयरमैन होता है, कैसे इनका चुनाव होता है। अब इनके भी इलेक्शंस में हम लोग भाग लेते हैं, इसीलिए थर्ड ईयर कहा गया है, यानी कि जब इसका इलेक्शन होता है
ओके जब इसका इलेक्शन होता है तो फिर हम लोग इसके इलेक्शन में भाग लेते हैं, कैसे? वोटिंग करके। जैसे कि पूरे गांव को तुम लोग जानते होगे कि छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड। अलग अलग वार्ड हो जाते हैं, और ऐसे ही शहरों को भी वार्ड्स में बांट दिया जाता है। अब जो वार्ड से अलग अलग कैंडिडेट्स चुने जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं वार्ड मेंबर, और जो प्रधान होता है ग्राम प्रधान, उसके लिए भी अलग से लोग चुनते हैं ग्राम प्रधान को, उसके भी कई प्रत्याशी होते हैं, उसमें से कोई एक जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो ग्राम प्रधान के रूप में चुना जाता है। तो ये तो सबसे निचला लोअर लेवल हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, ब्लॉक समिति या मंडल जिसको हम लोग कहते हैं। ब्लॉक समिति या मंडल क्या है, ब्लॉक या समिति में जितने ग्राम प्रधान है, ठीक, जितने ग्राम प्रधान है प्लस, टाइम इज रनिंग आउट आ रहा है, अब 10 मिनट का टाइम है, अब इसको लग रहा है कल ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बता दे फिर तुम लोगों से पूछते हैं, ओके? जितने भी ग्राम प्रधान हैं गांव के और जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, ये सब मिलकर के ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, यानी कि जो समिति या मंडल का हेड होता है, जैसे कई गांवों को मिलाकर के एक ब्लॉक बनता है, और उन सारे गांवों का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का भी एक हेड होता है, तो उस ब्लॉक का जो हेड है उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट मींस आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोग किसे चुने, हम लोगों ने ग्राम प्रधान को चुना और हम लोगों ने वार्ड मेंबर्स को चुना, तो ये वार्ड मेंबर्स और ग्राम प्रधान ये लोग मिलकर के ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, ठीक। अब उसके बाद जिला परिषद होता है, अब जिला परिषद का जो हेड होता है पार्षद, उसको ये जितने भी ग्राम प्रधान थे प्लस जितने भी वार्ड मेंबर्स थे प्लस जितने भी ब्लॉक प्रमुख थे, ये सब के अलावा उस जिला के एमपी और एमएलए जितने हैं, ये सब मिलकर के इनको चुनते हैं, जिला परिषद के हेड को, अध्यक्ष को। तो अब यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये तीन लेवल का है, तीनों लेवल के इलेक्शंस होते हैं। केवल डायरेक्ट कहाँ होता है, डायरेक्ट हम लोग वोटिंग किसको कहते हैं, डायरेक्ट वोटिंग करते हैं पंचायत को, और ब्लॉक और मंडल में हमारा वोटिंग डायरेक्ट नहीं होता, और ना ही डिस्ट्रिक्ट में हमारा डायरेक्ट रहता है, वहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनके जो हेड है या चेयरमैन है उनको इलेक्ट करते हैं। ऐसे ही शहरों को भी हम लोग डिफरेंट वार्ड्स में बांट देते हैं, और वहां पर भी डिफरेंट वार्ड्स के अलग अलग कैंडिडेट्स चुन करके जाते हैं, और फिर वहां का जो मेयर होता है उसका इलेक्शन भी होता है, उसको भी जैसे हमारे यहाँ ग्राम प्रधान को हम लोग चुनते हैं, वैसे वहां पर जो मेयर है उसका भी इलेक्शन होता है, ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटीज के चेयरमैन का भी होता है। तो बुक में तुम्हारी जो चीजें दी गई हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको भी रीडिंग करके हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। टुडे व्हाट इज योर प्रॉब्लम, लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आस्क, एंड आई एम गिविंग यू टाइम फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। हाँ स्टूडेंट्स बोलो, कोई दिक्कत है, या पहले तक जो भी पढ़ाया गया उसमें भी कोई दिक्कत होगी तो बताओ। यस मैम। क्या है बेटा बोलो। हम कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब है गठबंधन सरकार। कोलिशन का मतलब ही है कि जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत जब नहीं मिलती है तो वो क्या करती है, दूसरे दूसरे पार्टियों का समर्थन लेती है और उनके सपोर्ट से सरकार बनाती है। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलिशन एंड अलायंस। एक अलायंस भी होता है, अलायंस जानते हो, जैसे बिहार में चुनाव हुआ था तो क्या हुआ था, बीजेपी और जेडीयू ये लोग अलायंस के रूप में पहले से ही, वो जैसे हमारे यहाँ ही जब यूपी में भी चुनाव हुआ था तो यहाँ पर जो सपा थी और बसपा थी और कांग्रेस थी, ये सब अलायंस हो गए थे, यानी कि जब इलेक्शन के पहले ही वो अपने कैंडिडेट्स को बांट लेते हैं, यानी कि हमारा कैंडिडेट्स इस जगह से वोटिंग जो भी है लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा, कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, और तुम्हारा कैंडिडेट यहाँ से करेगा, यानी कि जितने सीट है उनको आपस में बांट लिया जाता है इलेक्शन के पहले, ताकि उनके कैंडिडेट्स भी वहां से खड़े ना हो और उनका इलेक्शन वोट कटे ना, कम ना पड़े, इसलिए ये लोग पहले ही इलेक्शन के पहले ही आपस में सीटों का बंटवारा कर लेते हैं।
लेकिन कोलिशन में क्या है, जब सीटें बट गई हैं, तो इलेक्शन के पहले सीटें यदि बट गई हैं तब तो वो अलायंस हो गया, लेकिन जब इलेक्शंस हो गए, सब लोगों ने अपना चुनाव लड़ा अपने अपने बल पर, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी पार्टी को फर्स्ट बहुमत नहीं मिली, क्लियर मेजोरिटी में नहीं आई कोई पार्टी, तो भाई सरकार कौन बनाएगा, तब तो फिर से इलेक्शंस कराने होंगे। तो कोशिश यही होती है कि जो बिगेस्ट पार्टी के रूप में जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी लेकर के आती है, मेजोरिटी में तो है नहीं लेकिन वहां पे जो बिगेस्ट है उसको अवसर दिया जाता है कि आप चाहें तो दूसरे पार्टियों के सहयोग से सरकार बना सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में वो पार्टियां क्या करती हैं कि जो भी उनके समर्थक घटक हैं, यानी कि जो भी उनको सपोर्ट करने लायक हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करवाते हैं, उनसे भी और अपने भी उनको सपोर्ट करते हैं, और उनके सपोर्ट के बाद जितना मेजोरिटी के लिए जरूरी है सीट उतना वो हासिल कर लेते हैं और फिर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी ये इलेक्शन के बाद कोलिशन बनता है, जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तब। और अलायंस कब बनता है, अलायंस इलेक्शन के पहले ही बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने सीट्स को बांट लेते हैं और एक कैंडिडेट को जहां वो स्टैंड कराते हैं इलेक्शन कंटेस्ट के लिए, दूसरा जो अलायंस पार्टी है वहां से वो अपना कैंडिडेट को खड़ा नहीं करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अलायंस एंड कोलिशन गवर्नमेंट। अंडरस्टूड मैम? हाँ बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो मैम। एग्जाम्पल बताएंगी तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल तो बताए ना कि जैसे हमारे यहाँ सपा वाली सरकार थी, ठीक है, सपा की सरकार जब पिछले बार चुनाव लड़ी तो ये भाजपा के विरोध में लोग चुनाव लड़े, तो ये सारे दल एक साथ अलायंस बना लिए थे। अलायंस बना लिए थे कैसे, बसपा भी मिल गई थी, जहां जहां से वो अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे वहां से वो अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा किए थे, जहां से कांग्रेस अपनी कैंडिडेट खड़ा की थी वहां से अखिलेश जी अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने अलायंस बनाया था, चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव के यदि इलेक्शंस हो जाते, जैसे कि मान लो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, तो कांग्रेस और बीजेपी की जो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, चाहे बनती थी, तो जैसे बीजेपी की जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसको क्या कहते हैं, एनडीए, उसको बीजेपी की सरकार हम भले कहते हैं, लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट यदि उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती, जैसे केंद्र में सरकार बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से नहीं बनेगी। स्टेट्स में आपका सिंपल मेजोरिटी है तो बन जाएगा, यानी 51% वोट है तो बन जाएगा, लेकिन केंद्र के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, एटलीस्ट 100 में से 66 सीट्स, तो 2/3 मेजोरिटी जुटाना मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो निर्दलीय भी कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनको भी ले लेते हैं, कुछ दूसरी पार्टियां को भी ले लेते हैं और उसके बाद अपनी मेजोरिटी को पूरी करते हैं। तो जो बीजेपी यदि कोलिशन बनाती है तो उसका नाम एनडीए है, एनडीए की सरकार, जैसे अटल जी के समय था, अटल जी की पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, उन्होंने दूसरे पार्टियों के समर्थन से अपनी सरकार को बनाया था, जो तुम्हारे कार्टून में दिया गया है। सोनिया गांधी की जो सरकार थी पिछले बार, मनमोहन सिंह की सरकार, दोनों ही बार 2004 में भी और 2009 वाली भी, ये दोनों ही कोलिशन थी, उसको यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। तो ये लोग यूपीए में थे और ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये लोग एनडीए कहलाते हैं। तो ये लोग कोलिशन कब करते हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट को देखने के बाद, हमें कितने सीट कम पड़ रहे हैं मेजोरिटी में आने के लिए, उस हिसाब से वो सपोर्ट ले लेते हैं। समझ आया मैम? वो लोग मेजोरिटी में आते हैं तो उन लोग के बीच में कोलिशन नहीं होता है? नहीं, मेजोरिटी में रहते तब तो वो अपनी सरकार बना लेते हैं, उन्हें किसी का सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं है। देखो, यदि सपोर्ट लेंगे बेटा तो वो बड़ा दिक्कत भरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उससे एग्रीमेंट करवाना है, हम चाहेंगे कि पूरब चले तो अगला कहेगा कि नहीं उत्तर के तरफ चलो, तो दिक्कत होगी उन लोगों को। किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करने में बार बार उन्हें साथ लेकर के चलना पड़ता है, जिससे कि डेवलपमेंटल वर्क्स भी होने में दिक्कत होते हैं, किसी भी डिसीजन को वो क्लियरली नहीं ले पाता है, क्योंकि उसे अपने साथ के घटकों को साथ ले करके चलना होता है, क्योंकि उनके सपोर्ट के साथ उन्हें सरकार चलानी है। यदि वो नहीं चल पाते हैं तो वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, और यदि यहाँ पे कहा जाता है बहुमत सिद्ध करने के लिए और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है और फिर